एक ऐसे कालखंड में आया है जब देश ही नहीं पूरी दुनिया एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। पूरी मानव जात के सामने एक संकट पैदा हुआ है। चुनौतियों से भरा यह वातावरण देश की सेवा के लिए हमारे संस्कार, हमारे समर्पण, हमारी प्रतिबद्धता, इन सब को लेकर के और अधिक सशक्त होकर के प्रशस्त होने का मार्ग तय करता है। साथियों, जनसंघ से दिनों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक दो सांसद वाली पार्टी से लेकर 300 से ज्यादा सांसदों के लिए मिले आशीर्वाद तक पार्टी ने चार चार पीढ़ी अनेक परिवार अपने आप को खपा चुके हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान के अधिष्ठान पर ये पार्टी खड़ी है। प्रारंभिक काल से ही हमें जो मंत्र मिला, संगठन का, समर्पण का, संघर्ष का, सेवा का, और इन सबको एक ही धागे में परोया गया संस्कार, हमें श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे अनगिनत महापुरुषों ने राष्ट्र प्रथम का आदर्श दिया है। आज भी हमारे बीच में ऐसे ही अनेक महानुभाव है, अनेक वरिष्ठ महानुभाव है जिन्होंने पांच पांच, छह छह, सात सात दशक इसी एक मंत्र को लेकर के जिया है और हमें जीने का सिखाया है। आज उस आदर्श को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का हम सबका दायित्व बनता है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा और समय रहते इसके खिलाफ एक व्यापक जंग शुरुआत की। भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्णय किए, उन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया, सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने में कोई कमी न रहे इसकी चिंता की। और जैसा आप जानते हैं, एक ऐसी बीमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था, ये कैसे आती है, कहां जाती है, किसके पास पहुंचती है, कुछ पता नहीं था। तब जो भी आवश्यक निर्णय करने की जरूरत पड़ी एक्सपर्ट की मदद से करते रहे। एयरपोर्ट के पर विदेशों से लोगों के आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो, दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हो, हर स्तर पर
भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया। राज्य सरकारों के सहयोग से इन फैसलों को गति भी मिली। भारत ने जितनी तेजी से काम किया है, जितनी समग्रता से काम किया है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया है, आज उसकी प्रशंसा सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी की है। तमाम देश एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला करे, इसके लिए सार्क देशों की विशेष बैठक हो या G20 देशों का विशेष सम्मेलन, भारत ने इन सारे आयोजनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भारत लगातार संपर्क में है, मेरी भी बातचीत होती रहती है। सभी ने भारत के प्रयासों की सराहना की है और हम जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, हमें पूरी तरह पता है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं, हमारी पूरी शक्ति की प्राथमिकता वही है। लेकिन ऐसे समय जब ये संकट आ गया तो एकजुटता के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हर पल बहुत काम आती है। हमारे यहां कहा गया है, समानो मंत्र समिति ही समानी, समान मन सह चित्तम एषाम, यानी हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे हृदय एकजुट होने चाहिए। यही एकजुटता, यही संकल्प भारत को विजयश्री प्राप्त करने में मदद रूप होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे वो एक दिन का जनता कर्फ्यू हो या लंबे समय का लॉकडाउन का समय, या प्रत्येक भारतीय तमाम मुश्किलें उठाकर भी देश के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और वो खुद को भी बचाने के लिए काम कर रहा है, देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। भारत जैसा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोगों का देश, लॉकडाउन के समय भारत की जनता ने जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है, गांभीर्य दिखाया है, यह अभूतपूर्व है। हम भारत के कोटि कोटि जनों का जितना नमन करें उतना कम है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने विशाल देश में लोग इस तरह अनुशासन और सेवा भाव का पालन करेंगे। साथियों, कल भी हमने देखा, रात को 9 बजे हम सब ने अनुभव किया है 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति के उस एक विराट रूप के हमने दर्शन किए, अनुभूति की है। हर वर्ग, हर आयु के लोग, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर का हो, गांव का हो, सभी ने मिलकर एकजुटता की इस ताकत को, उसका साक्षात्कार किया, उसका वंदन किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया। और जो मूल भाव था, मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में, मैं अकेला नहीं हूं, भले घर में बैठा हूं लेकिन पूरा देश लड़ रहा है, इस चीज को कल लोगों ने एहसास फिर से एक बार किया है। और यही तो लड़ने में नई ताकत देता है। आपने खुद महसूस किया होगा,
गांव देहात से लेकर के बड़े शहरों तक असंख्य दियों ने, प्रकाश ने कोरोना संकट के अंधेरे को, उस हताश निराशा को दूर करने में, एक एक नागरिक का हौसला बुलंद करने में मदद की।